दोस्तों हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, क्योंकि एक तो उनकी जॉब सिक्योरिटी होती है और साथ ही साथ में रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन भी मिलता है। वैसे दोस्तों आज के टाइम में पेंशन नहीं मिलता है, लेकिन पहले मिला करता था। और पेंशन की वजह से होता क्या था कि उनकी जो रिटायरमेंट के बाद की लाइफ होती थी वो बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाती थी, उनको फाइनेंशियली किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं 1818 के अंदर पेंशन स्कीम को लाया गया था और इसका एकमात्र मकसद यही था कि जो भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है उनको उनके बुढ़ापे में फाइनेंशियली दिया जा सके। और दोस्तों मैं आपको बता दूं उसके कुछ सालों के बाद में ये जो पेंशन स्कीम थी वो सभी लोगों के लिए चालू कर दी गई थी, मतलब जो प्राइवेट में जॉब करते थे वो लोग भी अपने लिए पेंशन अकाउंट क्रिएट कर सकते थे, उसके अंदर कुछ पैसा सेव कर सकते थे और अपने फ्यूचर को और अपने बुढ़ापे को सिक्योर कर सकते थे। आज के टाइम में भी टोटल 8 स्कीम मार्केट में अवेलेबल है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इन 8 स्कीम के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि कौन सी स्कीम में कौन अप्लाई कर सकता है, कितना उसको इंटरेस्ट मिलता है, कितने टाइम के लिए होता है, कितना अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है, सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हे दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों फटाफट बात कर लेते हैं उन 8 पेंशन स्कीम्स के बारे में। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, इन 8 स्कीम के बारे में मैं आपको शॉर्ट में बताने वाला हूं। अगर आप चाहते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्कीम के ऊपर मैं डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। जिस पर्टिकुलर स्कीम के ऊपर जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतना ही जल्दी मैं डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो बनाकर इस चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा। सबसे पहली पेंशन स्कीम है नेशनल पेंशन स्कीम, इसको NPS भी कहते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं इसकी शुरुआत 2004 में हुई थी और इनिशियली ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ही था। उसके बाद में 2009 में ये आर्मी वालों को छोड़कर बाकी सभी एम्प्लॉयज के लिए चालू कर दिया गया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आप NPS में अपना अकाउंट क्रिएट करवाते हैं तो मिनिमम हर साल आपको 6,000 रुपए डिपॉजिट करने ही होंगे और जो भी पैसा आप डिपॉजिट करेंगे उसको आप 60 साल के बाद में विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट भी है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, मतलब भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरी ये रिक्वायरमेंट है आपकी उम्र 18 साल से लेकर 65 साल के बीच में होनी चाहिए। तीसरी रिक्वायरमेंट है आपके पास KYC के डिटेल्स अवेलेबल होने चाहिए। चौथी रिक्वायरमेंट है आप एक ही NPS अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, मल्टीपल अकाउंट ओपन करवाना पॉसिबल नहीं होता। और दोस्तों अगर हम बात करें इंटरेस्ट की तो इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर आपको 9% से लेकर 12% का इंटरेस्ट मिल जाता है एनुअली गवर्नमेंट की तरफ से। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बेनिफिट की बात करूं तो इस स्कीम के अंदर आप 70 साल तक पैसे जमा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों 60 साल के बाद में अगर आप पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप 60% अमाउंट ही विड्रॉ कर पाएंगे और जो रिमेनिंग 40% अमाउंट होगा वो आपको एज अ पेंशन मिलेगा, मतलब हर महीने आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है और आप पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं उस केस में भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपका जो अकाउंट है वो 10 साल पुराना होना चाहिए और साथ ही साथ में सिर्फ 20% अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरी स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। देखिए दोस्तों जैसे नाम से ही पता चलता है कि ये जो स्कीम है वो सीनियर सिटीजन के लिए है, मतलब हमारे देश के जो भी नागरिक हैं जिनकी उम्र 60 साल के ऊपर है वो इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मान लीजिए आपकी उम्र 55 साल है और आपका रिटायरमेंट होने वाला है तो रिटायर होने के अगले एक महीने के अंदर आप इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको परमिशन मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं डिपॉजिट की बात करूं तो इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर मिनिमम आप 1,000 रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 15 लाख रुपए सेव कर सकते हैं। और दोस्तों अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो इस पर्टिकुलर स्कीम के ऊपर आपको 8.6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और साथ ही साथ में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कंपाउंड होता है, मतलब दोस्तों आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ये शॉर्ट टर्म स्कीम है, मतलब इस स्कीम के अंदर अगर आप अपना अकाउंट क्रिएट करवाते हैं तो इसकी जो मैच्योरिटी डेट होगी वो 5 साल की होगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपनी मैच्योरिटी डेट को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो 3 साल तक और एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब 8 साल तक किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर 2 तरीके के लोग अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहला जो लोग NRI हैं, दूसरा जो लोग HUF मेंबर है, HUF का फुल फॉर्म होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तीसरी स्कीम अटल पेंशन योजना। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो पर्टिकुलर पेंशन योजना है ये उन लोगों के लिए है जिनको रोजाना के पैसे मिलते हैं, मतलब वो वर्कर जो डेली वेजेस पे काम करते हैं ये उनके लिए स्कीम है। देखिए दोस्तों उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो एक साथ पैसे जमा कर सके, तो दोस्तों वो लोग क्या कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर अकाउंट ओपन कर सकते हैं और छोटा छोटा अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं और अपने रिटायरमेंट को सिक्योर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं रिक्वायरमेंट की बात करूं तो इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपकी उम्र 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा आप लो इनकम ग्रुप से बिलोंग करने चाहिए, मतलब आप ऐसे कैटेगरी से बिलोंग करने चाहिए जिनकी इनकम बहुत कम होती है जिसकी वजह से वो इनकम टैक्स नहीं भर पाते।
इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बेनिफिट की बात करूं तो आपके अकाउंट में जितने भी पैसे जमा होंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसका 50% कैलकुलेट करके आपके अकाउंट में ऐड कर देगी। इसके अलावा दोस्तों रिटायरमेंट के बाद में आपको गवर्नमेंट की तरफ से 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक मिलेंगे। चौथी स्कीम है प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ये LIC कंपनी द्वारा रन की जाती है और इसके अंदर आपको 10 साल के रिटर्न का वादा किया जाता है और साथ ही साथ में इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर आपको लगभग 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। दोस्तों अगर मैं रिक्वायरमेंट की बात करूं तो इसके अंदर अगर आपको अकाउंट ओपन करवाना है तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए, साथ ही साथ में आपकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों इस पर्टिकुलर स्कीम का फायदा आप सिर्फ 10 साल के लिए उठा सकते हैं। और दोस्तों अगर मैं बेनिफिट की बात करूं तो इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर आपको 1,000 रुपए हर महीने जमा करने होते हैं और साथ ही साथ में आप कितने टाइम के लिए जमा करना चाहते हैं ये खुद डिसाइड कर सकते हैं। मतलब जिसका भी अकाउंट होगा वो खुद डिसाइड कर सकता है कि वो कितने लंबे समय के लिए स्कीम के अंदर अकाउंट ओपन करवाना चाहता है। पांचवी स्कीम है राष्ट्रीय वयोश्री योजना। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ये उन सीनियर सिटीजन्स को हेल्प करती है जो BPL से बिलोंग करते हैं। BPL का फुल फॉर्म होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। इसके अलावा दोस्तों ये जो स्कीम है ये बहुत ही यूनिक स्कीम है। इसके अंदर उनको पैसे नहीं दिए जाते बल्कि उनको उनके बुढ़ापे के लिए जो भी सामान जरूरी होता है वो दिया जाता है, जैसे कि व्हीलचेयर हो गया, वॉकिंग स्टिक हो गई, चश्मे हो गए वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीजें दी जाती है। अगर मैं रिक्वायरमेंट की बात करूं तो इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर अगर कोई भी अकाउंट ओपन करवाना चाहता है तो सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों उसकी उम्र 60 साल के ऊपर होनी चाहिए और साथ ही साथ में उसके पास BPL का कार्ड भी होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया बिलो पॉवर्टी लाइन का जो कार्ड होता है उसके पास होगा तो ही वो इस स्कीम के अंदर अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों उस इंसान को जिस भी चीज की जरूरत है वो उसकी उम्र के कारण होनी चाहिए, ना कि किसी बीमारी के कारण। जैसे मान लीजिए कोई इंसान है जिसकी उम्र इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वो चल फिर भी नहीं पाता तो उसको व्हीलचेयर दी जाएगी, लेकिन अगर कोई इंसान ऐसा है जिसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसको व्हीलचेयर की जरूरत है तो इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर उसको व्हीलचेयर नहीं दी जाएगी। तो जिसकी उम्र के कारण कोई भी चीज की जरूरत होगी वो उसको प्रोवाइड की जाएगी, बीमारी के कारण कोई भी चीज की जरूरत होगी तो प्रोवाइड नहीं की जाएगी। और दोस्तों अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो इसके अंदर आपको 1 भी रुपया पे करने की जरूरत नहीं होगी और साथ ही साथ में जो फर्स्ट ईयर का मेंटेनेंस चार्जेस होता है वो भी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो दोस्तों अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और साथ ही साथ में आपके पास BPL का कार्ड भी है तो आप इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। छठी स्कीम है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये पर्टिकुलर जो स्कीम है वो भी LIC के द्वारा रन की जाती है। इसके अलावा दोस्तों इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी उम्र 60 साल के ऊपर होनी चाहिए और इसके अंदर आपको एक ही बार लमसम अमाउंट डिपॉजिट करना होता है। आप मिनिमम 75,000 रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं और मैक्सिमम 7,500,000 रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो इस पर्टिकुलर स्कीम के ऊपर आपको लगभग 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। दोस्तों ये मैं पूरे साल की बात कर रहा हूं, महीने की बात नहीं कर रहा हूं। इसके अलावा दोस्तों अगर बेनिफिट्स की बात की जाए तो इसके अंदर जो भी आपका पेंशन का अमाउंट होता है वो ECS फैसिलिटी के थ्रू मिलता है, मतलब जो भी पैसा होगा डायरेक्टली आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों मान लीजिए आपने इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाया और कुछ अमाउंट जमा किया तो उसके बाद में अगर आपके अकाउंट को 3 साल के ऊपर हो जाते हैं आपको लगभग 75% तक का लोन मिल सकता है। सातवीं स्कीम इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। दोस्तों मैं आपको बता दूं इस पर्टिकुलर स्कीम को 2007 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने शुरू किया था। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं इस पर्टिकुलर स्कीम को नेशनल सोशल असिस्टेंस स्कीम भी कहा जाता है, इसके साथ साथ इसको नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम भी कहा जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर उन विधवाओं को और उन डिसेबल लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिलती है जो बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं रिक्वायरमेंट की बात करूं तो इस पर्टिकुलर स्कीम में अप्लाई करने के लिए आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, साथ ही साथ में आपके पास BPL का कार्ड होना चाहिए और साथ ही साथ में दोस्तों आपकी उम्र 60 साल के ऊपर होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बेनिफिट की बात करूं तो इस पर्टिकुलर स्कीम का फायदा उठाने के लिए आपको 1 भी रुपया डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं होगी और साथ ही साथ में जो इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए अप्लाई करते हैं उनकी उम्र 60 साल के ऊपर होती है तो उनको हर महीने 200 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। इसके अलावा एज 80 साल के ऊपर होती है तो 500 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से हर महीने मिलता है। आठवीं स्कीम है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। दोस्तों मैं आपको बता दूं इस पर्टिकुलर स्कीम को 1995 में शुरू किया गया था और दोस्तों इसको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं इस पर्टिकुलर स्कीम को एम्प्लॉय पेंशन फंड भी कहा जाता है और इसको शुरू करने का मकसद ये था कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले जो लोग हैं उनको 58 ईयर्स के बाद में सोशल सिक्योरिटीज मिल सके। इसके अलावा दोस्तों अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि अगर आप इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कम से कम 10 साल के लिए EPFO के मेंबर होने चाहिए। EPFO का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, तो दोस्तों इसके मेंबर अगर आप होंगे तो आप इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो भी अमाउंट होगा वो आपको 58 ईयर्स के बाद में मिलने वाला है। अगर आपको 50 साल से लेकर 58 ईयर्स के बीच में चाहिए तो आपको कुछ पैसे कट के मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों जिसके नाम पे पेंशन है उसको अगर कुछ हो जाता है जैसे कि उसकी डेथ हो जाती है या मेंटली डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसके लिए भी कुछ ऑप्शंस हैं। जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन है विडो पेंशन। इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए जिसके नाम पे पेंशन है उसकी डेथ हो गई तो उसकी वाइफ को पेंशन हमेशा मिलती रहती है।
इसके अलावा दोस्तों दूसरा ऑप्शन है ऑर्फन पेंशन। इसके अंदर क्या होता है, जिसके नाम पे पेंशन है अगर उसकी डेथ हो जाती है, उसकी वाइफ की भी डेथ हो जाती है, तो उसके जो बच्चे होते हैं उनको पेंशन का अमाउंट मिलता है। और तीसरा है रिड्यूस पेंशन। दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, अगर आपको 50 ईयर्स से लेकर 58 ईयर्स के बीच में पेंशन का अमाउंट चाहिए तो आपको 4% के हिसाब से एनुअली कट करके आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों ये वो 8 स्कीम है जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो। इनमें से किसी भी पर्टिकुलर स्कीम के ऊपर अगर आपको डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतना ही जल्दी मैं वीडियो बनाकर इस चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए कमाने के तरीकों के साथ।